Hello students, in this video we will discuss a very important topic, RC coupled amplifier. In electronics or semiconductor devices for BSc part 3, physics honors and physics general courses. इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे, जो क्लास बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स एंड फिजिक्स जनरल कोर्सेस के अलावा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर is the most popular coupling because it is cheap and provides an excellent audio fidelity, that is without distortion or without noise over a wide range of frequency. So RC coupled amplifier is usually used for वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज यूजुअली यूज्ड फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ एसी इनपुट सिग्नल, या एसी सोर्स का सिग्नल, या सोर्स सर्किल देकर सर्किल के अंदर एसी वेवफॉर्म है या एसी सोर्स का सिंबल है, और यहां पर एसी इनपुट सिग्नल है जिसका एक कंप्लीट साइकिल में हाफ पल्स, जो अपर पर मतलब इस लाइन के ऊपर का जो पल्स है वह पॉजिटिव पल्स है, इस लाइन के नीचे का जो पल्स है वह निगेटिव है. तो एक एसी इनपुट सिग्नल में, चाहे आउटपुट सिग्नल भी होगा, तो यह आउटपुट सिग्नल सेम फेज में ऑब्टेन हुआ है, लेकिन काफी क्या है, काफी इनलार्ज सिग्नल है. मतलब एसी इनपुट सिग्नल की अपेक्षा जो आउटपुट सिग्नल है जो ऑब्टेन हुआ है सेकेंड स्टेज, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के सेकेंड स्टेज का ट्रांजिस्टर एंड इमिटर सेक्शन के क्रॉस, टू पॉइंट्स के क्रॉस यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन किया गया है, जो कि काफी इनलार्ज है. इसका वेव फॉर्म जो है एसी इनपुट सिग्नल से काफी बड़ा, पॉजिटिव जो पल्स है नेगेटिव पल्स दोनों ही लार्ज है काफी अधिक. तो ऐसा मतलब बोथ, मतलब टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बोथ सेक्शंस में कनेक्टेड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, बोथ एनपीएन ट्रांजिस्टर के हेल्प से ऐसा संभव हुआ. वन स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में वन स्टेज यहां से देख सकते हैं, डॉटेड लाइन है और इसको अर्थित किया हुआ है. तो इस लाइन के इधर फर्स्ट स्टेज है, इस डॉटेड लाइन कपलिंग कैपेसिटर से कनेक्टेड है सेकेंड स्टेज. तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्टेज है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, एंड इस वर्टिकल डॉटेड लाइन के राइट पोर्शन में सेकेंड स्टेज है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का. एंड बोथ जो स्टेज है, मतलब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बोथ स्टेज आर, बोथ स्टेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आर आइडेंटिकल देखा जा सकता है. एंड कपलिंग किसका है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कपलिंग है दोनों केस में, इमिटर सेक्शन में बोथ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स बोथ सेक्शंस में, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बोथ सेक्शंस में कनेक्टेड जो में जो कनेक्टेड है टू एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड एनपीएन ट्रांजिस्टर सेकेंड स्टेज में, एंड दोनों के इमिटर सेक्शन में एक रजिस्टर आरई, इमिटर रजिस्टर और शंटिंग रजिस्टर, एंड उसके पैरेलल में एक बाईपास कैपेसिटर इसे कहा जाता है सीई, और इमिटर कैपेसिटर
आरई के पैरेलल में कनेक्टेड है, फर्स्ट स्टेज के मतलब फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर, फर्स्ट स्टेज के एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमिटर सेक्शन में, उसी ढंग से सेकेंड स्टेज मतलब सेकेंड जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ एरो मार्क जो है बेस से इमिटर की ओर है। इसका मतलब है कि बेस से इमिटर का मतलब ये जो डायरेक्शन है एरो या कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पी साइड से एन साइड की ओर होता है, पी टाइप से एन टाइप की ओर होता है। तो मिडल जो बेस रीजन होगा वह पी साइड हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा, एंड एरो रहता है इमिटर में, मतलब एरो जो मार्क होता है इमिटर में होता है। तो डायरेक्शन इमिटर की ओर है, मतलब पी साइड से, पी टाइप से एन साइड टाइप में है। तो कलेक्टर वी एन होगा, बेस पी होगा, एंड इमिटर क्या होगा भी एन टाइप होगा, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर यह एरो का एरो मार्क अगर इमिटर से बेस की ओर होता तो पी टाइप से एन टाइप में होता। यह एरो जो है कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो यहाँ जो बेस से इमिटर की ओर है, मतलब इसका मतलब बेस जो होगा वो पी से, पी टाइप से भी कंडक्टर होगा, एंड इमिटर एन टाइप होगा, कलेक्टर भी एन टाइप होगा। यह ट्रांजिस्टर एनपीएन है, मैंने लिखा दी है। एंड सेकेंड ट्रांजिस्टर में भी बेस से इमिटर की ओर है, तो जो बेस होगा एन टाइप होगा, एन टाइप से भी कंडक्टर, इमिटर पी टाइप से भी कंडक्टर, एंड कलेक्टर फिर से एन टाइप से भी कंडक्टर। तो यहाँ पर मिडल में जो है वर्टिकल लाइन यहाँ खींचा हुआ है, यहाँ पर स्केच किया गया है जिसे अर्थेड कर दिया गया है, अर्थ कर दिया गया है। तो इस लाइन वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्टेज है आरसी कपूर एम्पलीफायर का, यहाँ पर भी इसके फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमिटर सेक्शन में रेजिस्टेंस आरई एंड कैपेसिटेंस सी, एंड कैपेसिटर कंडेंसर सी का कपलिंग है। एंड सेकेंड स्टेज में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमिटर सेक्शन में रेजिस्टर, इमिटर रेजिस्टर आरई एंड इसके पैरेलल में एक अनदर कैपेसिटर सी, बाईपास कैपेसिटर वह कनेक्टेड है। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यहां पर भी कपलिंग है। सो इट इज कॉल्ड आरसी कपूर एम्पलीफायर, एंड यहां टू स्टेज है, सो इट इज टू स्टेज आरसी कपूर एम्पलीफायर। वन स्टेज आरसी कपूर एम्पलीफायर भी हो सकता है, तो उसमें सेकेंड स्टेज नहीं होगा, उसमें फिर कपलिंग कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। कपलिंग कैपेसिटर से ही फर्स्ट स्टेज के एनपीएन ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाइड आउटपुट को जो कलेक्टर आरसी, जो कलेक्टर रजिस्टर उसके क्रॉस होता है, तो उसे कपलिंग कैपेसिटर सीसी के हेल्प से ही सेकेंड स्टेज के एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है, सप्लाई किया जाता है उस आउटपुट को, जिससे कि फर्दर यह सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर इसको फर्दर एम्पलीफाइड कर देता है उस सिग्नल को, एंड आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल और आउटपुट वोल्टेज सेकेंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एंड इमिटर सेक्शन के अक्रॉस टू पॉइंट्स के बीच में ऑब्टेन किया जाता है, जिसके आउटपुट सिग्नल को यहाँ इनपुट सिग्नल वहां पर है, यहाँ इनपुट सिग्नल है और यहाँ आउटपुट सिग्नल काफी उससे मतलब आउटपुट सिग्नल का एक वेव फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इस अप्लाइड एसी इनपुट सिग्नल से काफी इनलार्ज है, काफी मैग्निफाइड है। सो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेंड इन द आउटपुट सेक्शन ऑफ द आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर। सो आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर इज यूजुअली फॉर यूज फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। एंड कंस्ट्रक्शन को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे हमने देखा। यहां पर आर वन आर टू जो रेजिस्टेंसेस है, आर वन आर टू एंड आर ई, आर वन एंड आर टू फर्स्ट स्टेज में भी टू रेजिस्टेंसेस है, जिसे कि कलेक्टर इमिटर सेक्शन से ही बोथ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर इमिटर सेक्शन के लेफ्ट में कनेक्टेड है, आर वन एंड आर टू, एंड आर वन एंड आर टू एंड जो इमिटर रजिस्टर है आर ई, जिसके पैरेलल में कैपेसिटर सी कनेक्टेड है, बाईपास कैपेसिटर। तो आर वन आर टू एंड आर ई जो है तीनों फॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन सर्किट। आर वन आर टू एंड आर ई इन बोथ स्टेज ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर, टू स्टेज आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर्स, दोनों स्टेज में आर वन आर टू एंड आर ई है। तो आर वन आर टू एंड आर ई प्रोवाइड बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन सर्किट। सो वर्किंग कंस्ट्रक्शन इज शोन इन फिगर वन, वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर।
So when AC input signal is connected to supply to base of the first stage of RC coupled amplifier, so when AC input signal तो एसी सोर्स कनेक्टेड है कैपेसिटर C1 के थ्रो फर्स्ट ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है. सो व्हेन एसी इनपुट सिग्नल इज गिवन और इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑफ फर्स्ट स्टेज बेस ऑफ द फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर इट एम्प्लीफाइड एनपी सिंथ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एज एम्प्लीफायर एंड ओसिलेटर बोथ. तो यहां पर एम्प्लीफाइंग एक्शन होगा इस एम्प्लीफायर मतलब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा एंड उस जो इनपुट सिग्नल जो इसे बेस को मतलब फर्स्ट ट्रांजिस्टर के फर्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस को प्रोवाइड किया गया है सप्लाई किया गया है तो उसे एम्प्लीफाई कर आरसी के क्रॉस आउटपुट ऑब्टेन होगा जिसे कपलिंग कैपेसिटर के हेल्प से सेकेंड ट्रांजिस्टर मतलब सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है. तो व्हेन एसी इनपुट सिग्नल इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ द फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर इफ द आउटपुट द एम्प्लीफाइड सिग्नल जो एसी सिग्नल होगा एम्प्लीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेंड अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर आरसी of resistance RC and this signal is supplied to the base of second NPN transistor of second stage through the coupling capacitor CC and this amplified signal and this signal means amplified signal जो first transistor के द्वारा amplify कर दिया गया this signal is supplied to the base अब ऊपर मैं लिखता हूं board के upper part में this amplified signal that is voltage signal is supplied to the base of the second transistor means second state transistor NPN transistor is supplied to the base of the second stage NPN transistor and which further amplify this amplified signal of the first stage के amplified signal को जो first transistor first stage का जो first NPN transistor है उस transistor ने जो AC input signal को amplify किया है enlarge किया है बढ़ाया है उसे कपलिंग कैपेसिटर के हेल्प से सेकेंड ट्रांजिस्टर मतलब सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर से अनदर एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके बेस को प्रोवाइड किया जाता है एंड क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसा बिहेव करता है ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन एम्पलीफायर सो सेकेंड स्टेज उस एम्पलीफाइड फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफाइड सिग्नल को और वोल्टेज सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई करेगा. तो इस प्रकार इनलार्ज एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल सेकेंड ट्रांजिस्टर के
आउटपुट के अक्रॉस आउटपुट में ऑब्टेन होगा, मतलब सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर इमिटर सेक्शन में एम्प्लीफाइड एसी सिग्नल और इनलार्ज और एम्प्लीफाइड एसी वोल्टेज ऑब्टेन होता है, जो कि आरसी कपूल एम्प्लीफायर का मेन वर्क है। तो वर्किंग को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इससे आप सभी आसानी से नोट कर सकें। व्हेन एसी इनपुट सिग्नल इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ द फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर, द एम्प्लीफाइड सिग्नल दैट इज एसी सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर आरसी कलेक्टर रजिस्टर, जो एनपीएन फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो इस रजिस्टर का नाम कलेक्टर रजिस्टर आरसी है, तो उसके क्रॉस ऑब्टेन हुआ एम्प्लीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेन अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर आरसी एंड दिस एम्प्लीफाइड सिग्नल ऑफ द फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज के आउटपुट, मतलब रजिस्टर जो कलेक्टर रजिस्टर आरसी के क्रॉस जो एम्प्लीफाइड सिग्नल और एम्प्लीफाइड वोल्टेज ऑब्टेन हुआ है वो आउटपुट में है फर्स्ट स्टेज के, उसे सेकेंड स्टेज के इनपुट में, मतलब सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में कपलिंग कैपेसिटर से ही सप्लाई किया जाता है। तो कपलिंग कैपेसिटर जो है उस सिग्नल को इजी पाथ, मतलब इजी रेजिस्टेंस और इजी रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि वह सिग्नल आसानी से सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस को प्रोवाइड हो जाए, बेस तक चला जाए। एंड अब सेकेंड स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है उसके वह उस सिग्नल को और भी अधिक इनलार्ज कर देगा, मैग्नीफाइड कर देगा, और इस प्रकार मैग्नीफाइड और इनलार्ज एसी वोल्टेज आउटपुट के क्रॉस सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर के आउटपुट के क्रॉस ऑब्टेन होता है, जिसका वेवफॉर्म को एम्प्लीफाइड आउटपुट और इनलार्ज एसी आउटपुट सिग्नल को, जो कि सेम फेज में होगा, इनपुट जैसा है उसी फेज में है लेकिन काफी इनलार्ज है इनपुट सिग्नल से, सेम फेज में तो है, मतलब इसका जो पॉजिटिव सेक्शन है ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, यहाँ पर भी पॉजिटिव सेक्शन ऊपर ही है लेकिन इनलार्ज है, नेगेटिव नीचे ही है, तो दोनों आइडेंटिकल है इनपुट एंड आउटपुट, सेम फेज में इसे कहा जाता है। लेकिन जो आउटपुट सिग्नल है सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कलेक्टर इमिटर सेक्शन में ऑब्टेन किया गया है, वह काफी जो एसी इनपुट सिग्नल है, जो सिग्नल अप्लाई किया गया है फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर के बेस इमिटर सेक्शन में, तो बेस से कनेक्टेड है बेस इमिटर सेक्शन में ही, तो उस सिग्नल को इनलार्ज किया है फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर एंड जो कि उसके कलेक्टर रजिस्टर के क्रॉस जो आउटपुट ऑब्टेन हुआ है एम्प्लीफाइड एसी आउटपुट और एसी एम्प्लीफाइड एसी वोल्टेज को कपलिंग कैपेसिटर के हेल्प से सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई किया गया है, उस बात को ही हम लिख रहे हैं। तो व्हेन एसी वर्किंग में, व्हेन, फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हेन एसी इनपुट सिग्नल इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ द फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर द एम्प्लीफाइड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर आरसी ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड दिस एम्प्लीफाइड सिग्नल इज सप्लाई टू द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज एनपीएन ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ कपलिंग कैपेसिटर सीसी कैपिटल सी सफिक्स में स्मॉल सी कपलिंग कैपेसिटर कैपिटल सी कैपेसिटर के लिए सी फॉर सफिक्स में है कपलिंग के लिए टू द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर एंड इट इज एम्प्लीफाइड फर्दर दिस सिग्नल विच इज सप्लाइड टू द बेस ऑफ द
सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर टू द फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, तो कपलिंग कैपेसिटर दिस सिग्नल दिस एम्पलीफाइड सिग्नल इज सप्लाई टू द बेस, इसके बाद हमने ऊपर लिखा है बेस के बाद बोर्ड के अपर पार्ट में ऑफ द सेकेंड स्टेज एनपीएन ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर सीसी टू द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर विच फर्दर एम्पलीफाइज दिस सिग्नल सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर के द्वारा फर्दर इस जो सिग्नल को एसी जो इनपुट सिग्नल का जो आउटपुट मिला है फर्स्ट स्टेज के आउटपुट मतलब रजिस्टर के क्रॉस, तो उसे सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के इनपुट मतलब बेस सेक्शन को बेस को प्रोवाइड किया गया है वह सिग्नल, एंड क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जैसा बिहेव करता है, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर एंड ऑल्सो एज एन ओसिलेटर, लेकिन यहाँ पर एम्पलीफाइंग एक्शन है, तो सेकेंड ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को और भी एम्पलीफाई कर देगा एंड जो आउटपुट जो सिग्नल होगा एसी सिग्नल जो वोल्टेज सिग्नल है वोल्टेज के रूप में है, सिग्नल करंट और वोल्टेज दोनों को सिग्नल कहा जाता है, तो आरसी कपूर एम्पलीफायर को यूजुअली यूज किया जाता है वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन में, तो काफी बड़ा हुआ वोल्टेज एसी आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में ऑब्टेन होगा जो कि काफी लार्ज होगा आउटपुट सेक्शन ऑफ द सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर के क्रॉस। तो सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर मतलब दिस सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल इज सप्लाई टू द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज एनपीएन ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर सीसी टू द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर विच फर्दर एम्पलीफाइज सेकेंड ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई करेगा एंड आउटपुट वोल्टेज मतलब हम आउटपुट एम्पलीफाइड वोल्टेज देखा जा सकता है वेवफॉर्म को हमने दिखाया है एम्पलीफाइड सिग्नल को, आउटपुट जो सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल की अपेक्षा काफी लार्ज है पीक उसका, जो पल्सेस है दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्सेस एम्पलीफाइड सिग्नल का और एम्पलीफाइड वोल्टेज का वह काफी लार्ज है बड़ा है इनपुट सिग्नल से, यहाँ एसी इनपुट सिग्नल। सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर विच फर्दर एम्पलीफाइज द सिग्नल फर्दर एम्पलीफाइज दैट सिग्नल एंड एंड एम्पलीफाइड और इनलार्ज्ड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेंड इन द आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेंड, काफी बढ़ा हुआ वोल्टेज ऑब्टेन किया जाएगा सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर के आउटपुट में इज ऑब्टेंड अक्रॉस द आउटपुट और इन द आउटपुट ऑफ इन द आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ ए टू स्टेज आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक और प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन सिंबॉल ए भी ऑफ द एम्पलीफायर टेकन अलोंग वाई एक्सिस वर्सेस
और अगेंस्ट और विथ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू टेकन अलोंग एक्स एक्सिस इज टर्म्ड एज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक और प्लॉट ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर 2. दिस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस और 3 पार्ट्स और 3 रीजन्स. फर्स्ट रीजन इज लो फ्रीक्वेंसी रीजन और लो फ्रीक्वेंसी रेंज. राइट डाउन, फर्स्ट रीजन इज लो फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इज स्मॉलर देन 50 हर्ज इज कॉल्ड लो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. एट लो फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू इज स्मॉलर देन 50 हर्ज द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर सीसी इज क्वाइट हाई बिकॉज वी नो दैट एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एक्स सफिक्स में सी है एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाय सी ओमेगा एंड सी 1 बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई न्यू. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी सिग्नल थ्रू हीट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस. मतलब कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी सिग्नल के पास होने में तो कैपेसिटर द्वारा एसी सिग्नल के पास होने में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स सी एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा. फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज एक्स सी इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई न्यू. सो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल न्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्मूला से. देयरफॉर एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज देन एज फ्रीक्वेंसी न्यू डिक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एक्स सी इंक्रीजेज. सो एट लो फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी बिलो देन सॉरी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के से कम फ्रीक्वेंसी पर लो फ्रीक्वेंसी रीजन कहा जाता है फर्स्ट रीजन को. इस प्लॉट का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का तो बिलो द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल 50 हर्ट्ज एज न्यू डिक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज. सो द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज वेरी हाई एट लो फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल बिलो 50 हर्ट्ज. सो द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर सीसी इज क्वाइट हाई एट लो फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन न्यू इज फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 50 हर्ट्ज दैट इज न्यू इज स्मॉलर देन 50 हर्ट्ज एंड हेंस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिग्नल विल पास थ्रू वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ द आरसी कपल्ड टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. इसलिए चूंकि लो फ्रीक्वेंसी पर 50 हर्ट्ज से एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम होने पर
कपलिंग कैपेसिटर सीसी जिसे हमने डायग्राम में आरसी का टू स्टेज आरसी कपूल एम्पलीफायर के डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, तो कपलिंग कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, क्वाइट हाई वेरी और वेरी हाई, जिससे कि बहुत स्मॉल जिससे कि एसी सिग्नल का एसी इनपुट सिग्नल का बहुत ही स्मॉल पार्ट वन स्टेज से दूसरे स्टेज में और फर्स्ट स्टेज ऑफ आरसी कपूल एम्पलीफायर से सेकेंड स्टेज ऑफ आरसी कपूल एम्पलीफायर में बहुत स्मॉल पार्ट ट्रांसफर हो पाता है। एंड मोर ओवर बाईपास कैपेसिटर सी जो कि इमिटर कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड होता है, बोथ सेक्शंस बोथ ट्रांजिशन बोथ बोथ इन बोथ सेक्शंस ऑफ द एम्पलीफायर इन द इमिटर सेक्शन ऑफ द ऑफ बोथ एनपीएन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर्स बोथ एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमिटर सेक्शन में इमिटर रेजिस्टेंस आदि के पैरेलल में बाईपास कैपेसिटर और बाईपास इमिटर कैपेसिटर सी कनेक्टेड होता है। सो कपलिंग कैपेसिटर सी सॉरी सो बाईपास कैपेसिटर सी कैन नॉट शंट द इमिटर रेजिस्टेंस आदि इफेक्टिवली ड्यू टू इट्स लार्ज रिएक्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसीज। तो चूंकि कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो फ्रीक्वेंसी पर बहुत स्मॉल होने से सॉरी बहुत हाई होने से फ्रीक्वेंसी लो है तो रिएक्टेंस बहुत हाई होगा, तो कपलिंग कैपेसिटर का एसी सिग्नल के लो फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस का वैल्यू वेरी लार्ज होने से बहुत क्वाइट हाई होगा लार्ज होगा, तो उससे बहुत एसी इनपुट सिग्नल का बहुत स्मॉल पोर्शन फर्स्ट स्टेज से आरसी कपूल एम्पलीफायर के फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में ट्रांसफर हो पाता है। इसके अलावा बाईपास कैपेसिटर सी जो इमिटर कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्टेड होता है बोथ स्टेज में बोथ स्टेज ऑफ द आरसी कपूल एम्पलीफायर में तो वह इमिटर रेजिस्टेंस आरई को कैपिटल आर सफिक्स में कैपिटल ई सिंबल इमिटर रेजिस्टेंस का उसको प्रभावी ढंग से संट नहीं कर पाता है क्योंकि उस सेक्शन का मतलब जो बहुत लार्ज रिएक्टेंस होता है उस सेक्शन का मतलब कपलिंग कैपेसिटर का भी लो फ्रीक्वेंसीज पर, इसलिए बाईपास कैपेसिटर सी इमिटर रेजिस्टेंस आरई को प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली संट नहीं कर पाता है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज पर लार्ज रिएक्टेंस और लार्ज रेजिस्टेंस होता है। इसलिए These two factors cause a falling of voltage gain at low frequencies. So at low frequency range, in low frequency range, that is frequency of AC signal is smaller than 50 Hz, there is falling of voltage gain. Voltage gain AB, जिसे हमने y axis के along plot किया है, इसका value क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर इस plot में भी 50 Hz के से कम value पर वोल्टेज गेन जो है वह क्या हो रहा है फॉल हो रहा है उसमें कमी हुई है ड्रॉप हुआ है वोल्टेज गेन में। सो राइट डाउन इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज वोल्टेज गेन इन दिस लो फ्रीक्वेंसी रेंज हेडिंग ही दिया है तो इन दिस रेंज दैट इज इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज वोल्टेज गेन voltage gain drops off
ड्रॉप्स ऑफ और वोल्टेज एन फॉल्स कमी होती है ड्यू टू हाई रिएक्टेंसेस एट लो फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी कम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, उसके कारण बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल पोर्शन ऑफ सिग्नल एसी इनपुट सिग्नल को कपलिंग कैपेसिटर वन फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में पास करा पाएगा। सो देयर इज वोल्टेज गेन माने वोल्टेज गेन ड्रॉप्स होता है ड्रॉप्स ऑफ होता है और फॉल्स होता है वोल्टेज गेन का फॉल होता है एज शोन इन फिगर दैट इज फिगर टू दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। सो इन दिस रेंज दैट इज इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज वोल्टेज गेन ड्रॉप्स ऑफ और फॉल्स ड्यू टू हाई रिएक्टेंसेस एट लो फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विच इज द फर्स्ट रीजन और फर्स्ट पार्ट ऑफ आरसी ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। नाउ सेकेंड पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। सेकेंड पार्ट इज मिड फ्रीक्वेंसी रेंज एंड द रेंज ऑफ मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एसी सिग्नल इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का फ्रीक्वेंसी एसी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वह 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। दिस इज मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन जिसे हमने एवीएम से डिनोट किया है इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक और प्लॉट में मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के वोल्टेज गेन को जो कि कॉन्स्टेंट होता है हमने एवीएम सिंबल से डिनोट किया है जिसका कॉन्स्टेंट वैल्यू है और उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट इस कर्व के इस कैरेक्टरिस्टिक के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के हॉरिजॉन्टल पार्ट के द्वारा इस कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन एवीएम को रिप्रेजेंट किया गया है। इस हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक का इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वह एवीएम है जो मैक्सिमम वोल्टेज गेन है, इससे अधिक वोल्टेज गेन नहीं होगा और यह कॉन्स्टेंट भी है जो कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन के द्वारा इस माने कर्व के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के हॉरिजॉन्टल पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज यह जो पार्ट है वह हॉरिजॉन्टल है 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एंड दिस इज कॉल्ड मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड इन दिस रीजन देयर इज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन। द रीजन इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन का क्या रीजन है तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल न्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज द रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1/C × 2π new एज न्यू इंक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ऑफ एसी सिग्नल तो एज न्यू इंक्रीजेज कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विच टेंड्स टू इंक्रीज द गेन वोल्टेज गेन ऑफ द सिग्नल। तो चूंकि जब फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ओर इंक्रीज करता है जब एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तो जब एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के लॉन्ग के ट्वार्स इंक्रीज करता है
तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से न्यू का वैल्यू इंक्रीज होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, जिससे कि वोल्टेज गेन में जो एम्पलीफायर का है वह बढ़ेगा, उसके बढ़ने की टेंडेंसी होगी। बट एट द सेम टाइम लोअर रिएक्टेंस मींस हायर लोडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ आरसी कपूल एम्पलीफायर एंड हेंस दिस रिजल्टेड टू लोअर गेन, दैट इज लोअर वोल्टेज गेन। दीज टू फैक्टर्स ऑलमोस्ट कैंसिल ईच अदर, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज, सो इट विल इंक्रीज द गेन ऑफ द सिग्नल एंड एट द सेम टाइम लोअर रिएक्टेंस मीन्स हायर लोडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड दिस रिजल्टेड टू लोअर गेन, दैट इज लोअर वोल्टेज गेन। सो दीज टू फैक्टर्स ऑलमोस्ट कैंसिल ईच अदर, फर्स्ट सिचुएशन में हायर गेन होगा एंड सेकेंड सिचुएशन में एट द सेम टाइम लोअर गेन होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दीज टू फैक्टर्स ऑलमोस्ट कैंसिल ईच अदर रिजल्टिंग इन ए यूनिफॉर्म वोल्टेज गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। सो यूनिफॉर्म वोल्टेज गेन और कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। सो इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज इज 50 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। सो in this range of the amplifier, that is RC coupled amplifier, there is constant or uniform, constant voltage gain as shown in the horizontal part of the frequency response characteristic of RC coupled amplifier from 50 Hz to 20 Hz horizontal line है, horizontal portion है, जो कि constant voltage gain amplifier का RC coupled amplifier को indicate करता है। There is uniform or constant voltage gain. Which is represented by the horizontal part from 50 Hz to 20 kHz in the frequency response characteristic of RC coupled amplifier. And the last region of frequency response characteristic of RC coupled amplifier is high frequency range, that is frequency above frequency of AC signal, that is AC signal is larger than 20 kHz. क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है, अब 20 किलोहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी अगर ऐसी सिग्नल का होगा तो उसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। तो थर्ड पार्ट और थर्ड रेंज और थर्ड पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक और प्लॉट ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर इज लो फ्रीक्वेंसी रेंज। वोल्टेज गेन को एबी सिंबल से डिनोट किया गया है, जो जिसे वाई एक्सिस के नॉर्म लिया गया है, सपोज किया गया है। वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर आरसी कपूल एम्पलीफायर इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल ए, सफिक्स में भी है एबी, बाय द सिंबल एबी, वोल्टेज गेन एबी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है।
मैक्सिमम वोल्टेज गेन एबीएम है जो कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में है 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल का उस रीजन को जो थर्ड रीजन है इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर का उसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी जो वोल्टेज गेन है वह ड्रॉप करता है जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब 20 किलो हर्ट्ज के बाद 20 किलो हर्ट्ज 50 किलो हर्ट्ज टू सॉरी 50 हर्ट्ज टू 50 20 किलो हर्ट्ज मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टेज गेन है वह तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही 20 किलो हर्ट्ज के बाद फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल का इंक्रीज करता है तो वोल्टेज गेन क्या होता है, ड्रॉप करता है, ड्रॉप कर रहा है यहाँ इस जो कि इस कर्व से, मतलब हॉरिजॉन्टल 20 किलो हर्ट्ज के बाद जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन है उसे उसमें कमी आ रही है जैसा कि इस प्लॉट में देखा जा सकता है। उसके बाद कर्व मतलब जिसका स्लोप क्या है निगेटिव है वह ऑब्टेन हो रहा है, मतलब न्यू बढ़ रहा है तो वोल्टेज गेन का वैल्यू घट रहा है। तो थर्ड जो रीजन है रेंज है थर्ड रीजन और पोर्शन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर का वह हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल न्यू इज लार्जर देन 20 किलो हर्ट्ज दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 हर्ट्ज। जैसा कि मैंने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी जो वोल्टेज गेन है वो ड्रॉप करता है। द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर सीसी इज वेरी स्मॉल। द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर का सिंबल सीसी कैपिटल सी सफिक्स में सी स्मॉल सी कैपिटल सी सफिक्स में स्मॉल सी फॉर कपलिंग सफिक्स में जो है, तो कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस बहुत स्मॉल होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर एक्सी डिक्रीजेज व्हेन इज फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल इंक्रीजेज न्यू इंक्रीजेज देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज बिकॉज एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ν। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज वेरी स्मॉल एंड इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर कपलिंग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है एंड वह शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करने लगता है। दिस इंक्रीजेज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर टू रिड्यूस द वोल्टेज गेन। इसके कारण मतलब कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस बहुत स्मॉल हो जाने के कारण यह शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है एंड इसके कारण नेक्स्ट स्टेज का मतलब आरसी कपल एम्पलीफायर का नेक्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज का लोडिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है जो कि वोल्टेज गेन को घटा देता है। मोर ओवर एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ बेस इमिटर जंक्शन इज लो विच इंक्रीजेज द बेस करेंट आईबी एंड दिस रिड्यूसेस द करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। एज करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करेंट आईसी टू कलेक्टर करेंट आईसी ऑफ द ट्रांजिस्टर टू इट्स बेस करेंट आईबी। सो इफ बेस करंट आईबी इंक्रीजेज देन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा ऑल्सो डिक्रीजेज। ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स द वोल्टेज गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ड्रॉप्स ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी। सो राइट डाउन the voltage gain of RC coupled amplifier
फॉल्स ऑफ और ड्रॉप्स ऑफ, ड्रॉप्स मतलब कमी आती है, ड्रॉप्स ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ आरसी कपूल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ड्रॉप्स ऑफ और फॉल्स ऑफ. सो द वोल्टेज गेन ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर ड्रॉप्स ऑफ और फॉल्स ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल एबव 20 किलोहर्ट्ज, दैट इज न्यू इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल एबव 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी. सो इट इज क्लियर दैट इन लो फ्रीक्वेंसी रीजन एंड ऑल्सो इन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन और पोर्शंस ऑफ आर ऑफ द ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ए भी ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर ड्रॉप्स ऑफ और ड्रॉप्स ऑफ और फॉल्स डाउन और डिक्रीजेज. तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन रेंज 50 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी पर एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से मोर फ्रीक्वेंसी पर, अधिक फ्रीक्वेंसी पर, बोथ रीजन्स में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक के बोथ रीजन्स में, मतलब बोथ रेंजेज में 50 हर्ट्ज के बिलो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल का एंड 20 किलो हर्ट्ज से मोर फ्रीक्वेंसी, तो बोथ केसेस में जो वोल्टेज गेन होगा ये भी वह क्या होता है, फॉल करता है, उसमें कमी आती है. दस वी हैव डिस्कस्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. थैंक्स ऑल ऑफ यू so much.